फ्रेंड वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। अल्फा बीटा आर्टिथर इंजेक्शन का आज हम रिव्यू करते हैं। तो इसकी स्ट्रेंथ जो मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएगी वो 1 ml यानी 1 ml 75 mg, और जो 2 ml की स्ट्रेंथ है ये 150 mg और 2 ml, और ये एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन है यानी एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन है। और इसके ब्रांड नेम की बात करते हैं तो मैच काफ़ी फेमस ब्रांड है, और ईमेल आर्थीमल रेपिथॉर ए बी कुछ जो ब्रांड नेम है, जो भी सरलता से मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएँ आप ले सकते हैं। वहीं इसके मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो दी ड्रग वर्क, ये दवा कार्य करती है अगेंस्ट दी एरेथ्रोसाइटिक स्टेज, जो एरेथ्रोसाइटिक स्तर है आप प्लाज्मोडियम पैल्सिफेरम का, उसके अगेंस्ट काम करती है। और ये करती क्या है, ये इनहिबिट कर देती है, रोक देती है न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस को, जो पैल्सिफेरम का जो है, प्लाज्मोडियम पैल्सिफेरम का जो है न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन का जो सिंथेसिस हो रहा है उसको रोक देती है। तो इस तरीके से ये कार्य करती है। ब्रांड नेम अब देखते हैं कि डॉक्टर इसको कहाँ पे प्रयोग में लेते हैं। तो इसको मलेरिया में प्रयोग में लिया जाता है, और पैल्सिफेरम मलेरिया में सबसे ज़्यादा इसको प्रयोग में लिया जाता है, जिसका काजेटिव एजेंट क्या है, प्लाज्मोडियम पैल्सिफेरम होता है। मलेरिया या जो है प्लाज्मोडियम पैल्सिफेरम मलेरी होता है, तो उसमें इसको प्रयोग में लिया जाता है। या सेरेब्रम मलेरी या मलेरिया, ये क्या होता है, दिमागी बुखार, उसमें प्रयोग में इसको लिया जाता है। या क्लोरोक्विन रजिस्ट हो जाती है मलेरिया में जब दवा दी जाती है, तो कई बार जो है मलेरिया ठीक नहीं होता है और दवा जो क्लोरोक्विन है वो रजिस्ट कर जाती है, तो डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये तो इसका यूज हुआ, अब साइड इफ़ेक्ट की तरफ बढ़ लेते हैं। तो पेन एंड रेडनेस साइट ऑफ इंजेक्शन, जहाँ जिस साइड पे इंजेक्शन लगता है वहाँ रेडनेस हो सकता है और दर्द हो सकता है। नोजिया यानी मितली की शिकायत हो सकती है, ओमेटिंग उल्टी हो सकती है, या जो है हेडेक सिर दर्द हो सकता है। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द हो सकता है, और वीकनेस का एहसास हो सकता है, कमजोरी का एहसास हो सकता है, और इंक्रीज हार्ट रेट, ये जो है इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। वहीं हम इसके जो है अब कंट्राइंडिकेशन की बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में इसको नहीं देना है, और जो है अगर देना भी है तो गायनाकोलॉजिस्ट अगर आपके बोलते हैं उनसे कंसल्ट कर लीजिए तब भी इसको लिया जाता है, इसको प्रेगनेंसी में नहीं तो नहीं देना है। हर्बल मेडिसिन चल रही हो जिसकी, या आयुर्वेदिक मेडिसिन जिसकी चल रही हो, अल्कोहल जो लेता हो, या लीवर या किडनी की डिजीज़ हो, उसको भी इसको नहीं लेना है। डॉक्टर से जो है संपर्क कर लें कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं ये करता हूँ, क्योंकि ये डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाली दवा है। वहीं अब डोजेज की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसको पैरेंटल यानी जो है इसको पैरेंटल लेना है, और एडल्ट का जो डोज है इसको पैरेंटल एंड इंट्रामस्कुलर लेना है, यानी इसको मांस में ही लेना है, मांस में यूज करना है, मांस में ही लेना है, मांस में ही डॉक्टर देते हैं। और एडल्ट का जो डोज है 150 mg बाई IM यानी इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन पर डे फॉर 3 डे यानी 3 दिन तक दिया जाता है। वहीं चिल्ड्रन की डोज की तरफ बढ़ लेते हैं, तो चिल्ड्रन का जो डोज है 3 mg यानी 3 mg पर kg बॉडी वेट, 3 mg पर kg बॉडी वेट बाई IM इंजेक्शन पर डे, यानी एक दिन में जो है देना है, दिन में जो है, और ये 3 दिन तक देना है, 3 दिन तक देना है, पर डे जो है देना है, 3 दिन तक देना है, और यही WHO की गाइडलाइन है। बट कोई कुछ डॉक्टर जो है वो अपने अकॉर्डिंग 5 दिन तक भी देते हैं। ओके थैंक्स, आप चाहें तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।